dirty. Bend this, 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 this. And rock the messy colors. Nah, 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 nah. This, that, this, that, this, 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 that, this, that, this, this, that, this, that. I love, 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 love. तो इस प्लेस पे आने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस लेने के बाद और हम लोग अपना सब कुछ ओट्स वगैरह खा पी के सामान रखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने आगे के लिए। तो आगे सीधे चलेंगे उज्जैन। अब अगर रास्ते में ऐसी कुछ चीज़ आती है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग निकलते हैं अब अपने फाइनल आज का दिन जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ के लिए। तो भैया एक बार जयकारा लगाया जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। बाईपास कह लीजिए या कह लीजिए सिटी का क्रॉस एरिया है और इसको हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। आगे जो पास जी दिखा देना पास हो जाएगी। ठीक है ये है भोपाल बाईपास का टोल 40 रुपये। हम लोग पहले भोपाल सिटी को बाईपास कर चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं विदिशा की ओर। विदिशा होते हुए हम निकल रहे हैं उज्जैन। तो अभी हम रुके हुए थे एक रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खाने के लिए। बहुत देर से हम लोग सफ़र कर रहे थे और काफ़ी समय हो गया था खाना खाए। रात के बाद अभी हम लोग खाना खाए हैं। 24 घंटे से ऊपर का सफ़र हम लोगों ने पहली बार लाइफ में किया है और काफ़ी मज़ेदार रहा है ये अभी तक सफ़र। अभी भी यहाँ से उज्जैन लगभग 160 किलोमीटर दूरी है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जब उज्जैन पहुँचते हैं तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर उज्जैन आप बाई ट्रिप करते हैं बाई रोड करते हैं इस ट्रिप को तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। शानदार ट्रिप है ये। भोपाल से आगे बढ़ने पर उज्जैन रोड पे कुछ किलोमीटर बाद ही आपको कुबेश्वर धाम मिल जाएगा जो कि सीहोर में पड़ता है। तो हम भी अपनी गाड़ी रोक पहुंच जाते हैं कुबेश्वर धाम सीहोर जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कड़कड़ में शिव बसते हैं। कुबेश्वर धाम से निकलते हुए हमें हो जाता है शाम और कुछ दूर चलने के बाद हमें उज्जैन का बोर्ड दिखता है जहां से दूरी सिर्फ 27 किलोमीटर शेष बस्ती है। तो अगर आप भी महाकाल के दर्शन करने भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आपके लिए अहिल्याबाई होलकर इंदौर होने वाला है। और अगर आप बाई ट्रेन रास्ता चूज़ करते हैं तो उज्जैन स्टेशन आपको भारत के हर स्टेशन से जोड़ता है। बाई रोड अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो बहुत सारे नेशनल हाईवे आपको उज्जैन या इंदौर के लिए कनेक्ट कर देंगे। प्रयागराज से चलकर कटनी जबलपुर भोपाल होते हुए उज्जैन का रास्ता हमें 1050 किलोमीटर का हो चुका था और लगभग 30 घंटे सफ़र करने के बाद हम फाइनली उज्जैन पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। हम लोग आ पहुंचे हैं उज्जैन नगरी और इस समय हम लोग महाकाल मंदिर के जस्ट सामने के लिए हैं, लेकिन हमारे दर्शन का प्रोग्राम या तो कल या फिर आज रात का बन सकता है। और रही बात किस वीडियो में कि हमारे कितने एक्सपेंस आए और हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, 30 घंटे की ट्रिप में हमने क्या क्या किया, ये सारी वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आगे की वीडियो में भी आपको काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास होटल और होम स्टे आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनके प्राइस सीज़न टू सीज़न वेरी करते रहते हैं। हमें यह इस सीज़न में यानी न्यू ईयर पे हमें यह मात्र 1100 रुपये में 6 लोगों के लिए मिल जाता है। महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जैन सीरीज की दूसरे पार्ट में। कल रात हम बहुत थक चुके थे और रूम लिए इसके बाद हम सो गए थे। अब मॉर्निंग का ये समय हो चुका है निकलने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया है, 10 बज गया है। बाकी पूरी की पूरी गैंग अपनी रेडी हो चुकी है। यो भाइयों, आप लोग रेडी हो? जय महाकाल। तो चलते हैं मंदिर की ओर और फिर दिखाते हैं आपको उज्जैन महानगरी कैसी है।
प्रसाद और माला फूल की दुकानें आपको गेट के बाहर ही मिल जाएंगे, लेकिन महाप्रसाद आपको मंदिर के अंदर काउंटर से ही प्राप्त होगा, जो कि 50, 100, 200, 500 तक के होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कहा जाता है कि यह एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है और यह स्वयंभू है, यानी स्वयं से उस जगह पर प्रकट हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन नगरी का राजा सिर्फ एक है, वो है महाकाल। दूसरा कोई राजा उज्जैन नगरी में रात नहीं गुजार सकता। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ से कॉरिडोर से होते हुए हम लोग गेट नंबर 4 से एंटर करने का सोच रहे थे, जहाँ से 250 रुपये VIP टिकट की लाइन थी। क्या कहते हो, VIP चला जाए या नॉर्मल लाइन से? भीड़ के ऊपर देखते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा रही तो फिर हम लोग VIP टिकट ले लेंगे, और इन केस अगर भीड़ कम रहती है तो फिर हमने ये सोच रखा है कि हम लोग नॉर्मल लाइन से भी टिकट कर दर्शन कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमने जिस द्वार से एंट्री की थी वह थी नंदी द्वार, जो आपको सामने दिख रहा होगा। ऐसे दो द्वार हैं पूरे महाकाल के परिसर में, एक नंदी द्वार, दूसरा पिनाका द्वार। समय चल रहा है महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में, जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत भव्य बना हुआ है। क्यों, हम लोग इससे पहले यहाँ भी एक बार आ चुके हैं, लेकिन 2022 में जिस हिसाब से कॉरिडोर बना है, शानदार, क्या बेहतरीन लग रहा है। एक बार सबको जरूर विजिट करना चाहिए, बेहतरीन प्लेस है। कॉरिडोर घूमने के लिए दिव्यांग जनों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप नंदी गेट से एंटर हो रहे हैं, इधर से नंदी गेट से हम लोग इधर से एंट्री किए थे, ऐसे यहाँ 4 गेट हैं और आपको हर जगह पे ऐसे श्री के दर्शन के काउंटर मिल जाएंगे 250 रुपीज़ में। तो हम लोग यहाँ पे टिकट लेने के लिए आए थे, लेकिन भीड़ बहुत कम है, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग नॉर्मली दर्शन कर लेंगे। लगातार यहाँ पे अनाउंस हो रहा है कि मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर अलाउ नहीं है, मतलब ऐसे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकें, कैमरा वगैरह। तो फिर हम लोग भी अब मोबाइल को अंदर रखते हैं और आपसे मिलते हैं दर्शन के बाद। सामने हमारे गेट आ चुका है महाकाल का। जय श्री महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के मुख्य मंदिर के अलावा कैंपस में आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां आपको जरूर जाना चाहिए, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर और साक्षी गोपाल मंदिर, कृष्णा राधा मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तो महाकाल जी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, अब आपको चलते हैं जो बढ़िया नया कॉरिडोर बना हुआ है महाकालेश्वर कॉरिडोर, आपको वो उसका दर्शन कराते हैं कैसा बना है। क्यों सर, रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी भीड़ जरूर है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग पूरे वीडियो बनाएंगे। मंदिर का कॉरिडोर बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई टिकट या पैसा नहीं लगता है।
बेहतरीन कॉरिडोर की शुरुआत यहाँ से होती है। नौ सौ मीटर लंबे इस मंदिर परिसर के कॉरिडोर में 108 स्तंभ देखने को मिलते हैं, जिसपे हर स्तंभ पे आपको भगवान शिव और देवी सती के धार्मिक किस्से जुड़े मिलेंगे। जय श्री महाकाल। यह परिसर पूरी तरह से शिवमय है, इसे महाकाल का लोक भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको शिव पुराण, त्रिपुरासुर वध, सप्तऋषि जैसी बहुत सारी शिव पर आधारित चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस परिसर में आपको किसी प्रकार के गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। मूर्तियों के सामने रखा बारकोड को स्कैन करने पर आपको सारी जानकारियाँ और सारे इतिहास उसके मिल जाएंगे। तो आपके सामने दिखता हुआ यह जो दिख रहा है, यह सप्तऋषि मंडल यानी सात ऋषियों को बनाया गया है यहाँ पे, और बीच में एक ये शिव स्तंभ। यहाँ का काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कॉरिडोर का, और यहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं खड़े होके। अच्छी जगह है काफ़ी। तो महाकाल जी के दर्शन के बाद ये एक किलोमीटर लंबा कॉरिडोर हम लोग ट्रैवल करके अब आ गए हैं एग्ज़िट की तरफ। इस एक किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में आपको देखने के काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि एक अट्रैक्टिव है और फोटो वगैरह क्लिक करने के बेस्ट प्लेस है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ऐसा माना जाता है कि महाकाल जी के दर्शन के बाद अगर आप भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं तो ये दर्शन पूरा नहीं होता। तो हम लोग निकलेंगे भैरव जी के लिए, बाहर कुछ चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं भैरव जी के लिए। तो मिलते हैं आपसे भैरव जी पर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। हमारा होटल था वहाँ से, ये जो कार पार्किंग है महाकालेश्वर की वो लगभग 300 मीटर के आसपास थी, तो हम लोग को वहाँ तक जाने के लिए ई रिक्शा करना पड़ा। इसमें सामान रख के हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे आसानी से। यहाँ ई रिक्शा की सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो अगल बगल जाने आने के लिए अच्छा है। यहाँ पर पहुँचे इस समय काल भैरव मंदिर, जो कि उज्जैन से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। शनिवार की वजह से काल भैरव मंदिर में महाकालेश्वर से ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी, ऐसे यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती। फैन से ज़्यादा लाइन बाबा काल भैरव में, आप देख सकते हैं ये क्या लाइन लगी हुई है। ये हमारे पीछे खड़े हुए हमारे जो है निमित्त की वजह से देर हो रही है, जिनकी वजह से देर हो रही है, लेकिन कोई नहीं, कम से कम 4 घंटे की लाइन नहीं है आराम से। दोस्तों हम लोग आप काल भैरव जी का दर्शन करके, काफ़ी ज़्यादा लाइन था वहाँ पे, फिर भी हम लोगों को दर्शन वहाँ प्राप्त हो गया। 2 घंटे से अंदर में ही हो गया सब कुछ, और अब हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि आपके लिए वेडन था। प्रयागराज से चलकर हम लोग बाई कार उज्जैन पहुँचे थे, और उज्जैन से ही हम लोग बाई कार जाने वाले हैं ओंकारेश्वर, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 3 घंटे के आसपास समय लगने वाला है। तो चलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, कि उससे पहले हमने स्टे ले रखा है यहाँ पे कुछ खाने के लिए, जो कि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे और सुबह से कुछ भी नहीं अब तक हुआ था, भूख लग रही थी सबको, तो ये हुआ कि यहाँ रुकते हैं, फिर खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधे अब टाइम लैप्स में। आप देखिए ओंकारेश्वर पहुँचने तक का जर्नी।